सब्सक्राइब करें ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट गुरु। तो चलिए आज बात करेंगे दोस्तों क्लच के बारे में। अगर हमारी कार का क्लच वीक है, डाउन है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें कार चलाने से पता लगना चाहिए कि हमारी कार का क्लच वीक है, डाउन है, और उसे हमने रिप्लेस करना है ताकि कभी ब्रेक डाउन ना हो कार और कहीं पर हम फंस ना जाएं। तो इसीलिए हमने चेंज करना। तो उनके क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों, जब हम कार चलाते हैं तो क्या क्या उनके कारण होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कार का क्लच प्लेट बिल्कुल खराब है, वो बिल्कुल जल चुकी है और बिल्कुल वीक है काफी, तो हमने उनको रिप्लेस करना है। और कौन कौन से वो कारण होते हैं दोस्तों जिससे कि हमारी क्लच प्लेट टाइम से पहले ही जल्दी से खराब हो जाती है, क्या क्या कारण है, तो वो कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, टाइम तो कोई होती नहीं है इसका, ऐसा तो है नहीं कि कोई 1,50,000 रुपए 1.5 लाख पे हमने इनको चेंज करवाना। वो हमारे चलाने के ऊपर होता है कि हम कैसे कार चलाते हैं, उस हिसाब से क्लच प्लेटें बर्न होती है। अभी देखिए दोस्तों, मेरी कार 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई क्लच प्लेट का कोई भी उसमें रीजन नहीं है कि खराब है हमारी क्लच प्लेट, और ठीक ठाक चल रही है क्योंकि मैं उस तरीके से चलाता हूँ। सबका चलाने का तरीका अलग होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपनी क्लच प्लेट को बचा सकते हैं और ताकि लंबे से लंबे टाइम तक हम उनको चला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ राय लेना चाहता हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो बनाऊं, वीक में 3 बनाऊं या 4 बनाऊं या डेली बनाऊं, ये आप लोग मुझे सजेस्ट करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, सबका मुझे कमेंट की जरूरत है और सबके मुझे जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, या वीक में 1 लाऊं 2 लाऊं 3 लाऊं 4 लाऊं या डेली लाऊं, ये आप मुझे बताएं। और जो आप मुझे बोलोगे दोस्तों, मैं वही करूं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, ताकि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के जवाब दूं, और हो सके तो मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊं। जो आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर, आप हैशटैग करके लिखे दोस्तों, हैशटैग करके अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वहां से मैं उनको क्वेश्चन को उठा के दोस्तों वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा हमारी कार का क्लच प्लेट वीक है, क्लच हमारा वीक है काफी। तो पहला रीजन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब हम फर्स्ट गियर में अपनी कार को चलाते हैं तो वहां पे वाइब्रेट करेगी कार, कार ऐसे स्मूथली नहीं चलेगी क्योंकि उसका क्लच इतना वीक है, इसलिए वो वाइब्रेट करेगी और पिकअप उतना मिल नहीं पाएगा कार को। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारी क्लच प्लेट काफी वीक है और हमें उनको चेंज करवाना। दोस्तों सेकंड जो रीजन है वो ये है कि जब हम अपनी कार को चला रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंजन बहुत तेज साउंड करता है। तेज साउंड इसीलिए करता है क्योंकि हम एक्सीलेटर कार में इतना देते हैं कि वो इंजन तेज साउंड करता है, इंजन हमारा प्रॉपर घूमता है, लेकिन हमारा क्लच क्या उस कार को चला नहीं पाता, क्लच हमारा प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। अगर हमारी क्लच प्लेट बिल्कुल प्रेशर प्लेट से ऐसी चिपकी हुई तो पूरा रिलीज नहीं हो पाता, इसीलिए हमारी कार खुल के चल नहीं पाती है। हमारा गला है, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा दबा दूं, देखिए आवाज प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं पूरा हाथ हटा दूंगा जब भी मेरी आवाज पूरी आएगी, तो ऐसे ही होता, बिल्कुल क्लच प्लेट हमारे प्रेशर प्लेट से चिपक जाती है, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता, इसीलिए हमारी कार चल नहीं पाती। हम एक्सीलेटर देते हैं कार में, हमें देना पड़ता है क्योंकि कार चलती नहीं है, तो हमारा इंजन तो पूरी स्पीड में घूमता है और साउंड भी तेज करेगा, लेकिन हमारी कार को स्पीड मिल नहीं पाएगी। तो ये एक कारण होता है, ये मुख्य कारण है दोस्तों क्लच प्लेट का खराब हो जाना, और इससे पता लगता है कि हमारी क्लच प्लेट बिल्कुल वीक है और हमें इनको चेंज करवाना है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरीके से हमने कार चलानी ताकि हमारी क्लच प्लेटें जल्दी से बर्न ना हो, जल्दी से खराब ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर हम गियर को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड करते हैं, तो हमने क्लच को झटके से नहीं छोड़ना है। क्लच को हम झटके से अगर छोड़ते तो हमारी कार झटका लेती है, ऐसे झटका लेती है कार। उस झटके से क्या होगा दोस्तों, जो हमारे गियर बॉक्स के अंदर हमारी क्लच प्लेट होती है दोस्तों, वहां पे एक फिंगर होते हैं, स्प्रिंग होती है, वो लूज हो जाएंगे, उसके जो दांत होते हैं दोस्तों कट जाएंगे वहां से, अगर हम झटके से इस चीजों को छोड़ते हैं तो। झटका देखिए किसी भी चीज को में खराब तो होता ही है, तो हमने झटके से क्लच को नहीं छोड़ना है। हमने क्या करना दोस्तों, जैसे हम फर्स्ट गियर में कार को उठाते हैं, क्लच को छोड़ते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं, ऐसे ही हमने सारे गियर में करना है। क्लच पे पैर रख के भी कार नहीं चलाना है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, आदत उनकी ऐसी होती है कि क्लच पे बिल्कुल उनका पैर रहता ही रहता है, तो ऐसे नहीं करना है। क्लच पे बिल्कुल पैर रख के हमने कार नहीं चलानी, हमने क्लच का काम होता है बस गियर को शिफ्ट करना और गियर को न्यूट्रल करना, यही काम होता है क्लच का, बाकी कोई काम नहीं होता। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल क्लच में पैर रख के ही बिल्कुल कार चला रहे हैं, ये आदत खराब है ये बिल्कुल।
इससे क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर तरीके से क्लच रिलीज नहीं हो पाएगा और क्लच बिल्कुल जल जाएगा और खराब हो जाएगा। तो क्लच पे पैर रख के भी हमने कार नहीं चलानी। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमने काफी दूर हमने ब्रेक मार के हमने कार रोकनी है तो यहीं से क्लच दबा देंगे, क्लच दबाने के बाद फिर ब्रेक दबाएंगे। ऐसा नहीं है, जब कार बिल्कुल स्लो हो जाए पहले सिर्फ ब्रेक का यूज करें, जब कार बिल्कुल स्लो हो जाए फिर उसके बाद हमने क्लच दबा के अपनी कार को न्यूट्रल करना है। या जो भी हो सिचुएशन है दोस्तों, अगर हमने सेकंड गियर लगाना फर्स्ट गियर लगाना तो वो जब करें। ऐसा नहीं कि हम पहले से क्लच दबा के चल रहे हैं, बिल्कुल 60 की 80 की स्पीड में चल रहे हैं, क्लच हमने पहले से दबाना चालू कर दिया, ऐसे नहीं। हमने सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करना। अगर हम नॉर्मली कार भी चलाते हैं तो बिल्कुल क्लच पर पैर रख के नहीं चलानी कार, बिल्कुल पैर को साइड कर दीजिए आप, क्योंकि कुछ नहीं होगा उससे। अगर ब्रेक भी हमें लेना पड़ता तो हम पहले ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद जब कार काफी स्लो हो जाएगी फिर हम क्लच दबा सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों कि क्लच का हमें कैसे यूज करना, क्लच और ब्रेक का कैसे कॉम्बिनेशन हमने यूज करना। दोस्तों आई बटन में जाएंगे आप ऊपर तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।